गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पैरासाइक्लिक रिएक्शंस की आज इस क्लास में हम लोग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डील्स एल्डर को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शंस, ठीक है, ये चल रहा था। और डील्स एल्डर रिएक्शंस में हम डील्स एल्डर रिएक्शंस की करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, और काफी करैक्टरिस्टिक्स हम डील्स एल्डर रिएक्शंस की कर चुके थे। अब उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को मैं आगे बढ़ाता हूं ताकि आज हमारा कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल पार्ट इस लेक्चर में पूरा खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4+2 साइकिल ऑडिशन यानी डील्स एल्डर के ऊपर अच्छा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो तो मैं सबसे पहले नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं। उससे पहले पिछली करैक्टरिस्टिक्स मैं रिकॉल करवा दूं आपको। लास्ट करैक्टरिस्टिक्स हमारी थी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन डाइईन एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन डाइईनोफाइल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये हम लोग कर चुके थे, और इसमें हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करके होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप डिफरेंस वगैरह कम हो जाता है, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। अब मैं बिल्कुल इसी करैक्टरिस्टिक्स को और मैं आगे बढ़ाता हूं, और नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इसमें है कि अगर हम लुइस एसिड की प्रेजेंस ले लेते हैं डील्स एल्डर रिएक्शंस के दौरान तो रेट ऑफ द डील्स एल्डर रिएक्शन बढ़ जाती है। क्या मतलब? नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स लिखो, प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड इंक्रीज द रेट ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन। अब ये रेट कैसे बढ़ी इसको जरा समझते हैं। देखो बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें समझते हैं इसको। ये हमने डाइईन लिया, और डाइईन का रिएक्शन हमने किससे करवाया? एक डाइईनोफाइल के साथ जिस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? थर्मल कंडीशन ये लीजिए, और दैट इज 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन। और मैंने कहा यहां रेट R1 है, यहां रेट क्या है? R1। ओके, और 4+2 साइक्लो एडिशन के बाद हमारे को यहां से ये प्रोडक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस रिएक्शन की रेट को मैंने R1 कहा। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं सेम रिएक्शन यदि मैं लुइस एसिड की प्रेजेंस में करवाऊं, मान लीजिए हमने सेम रिएक्शन लुइस एसिड की प्रेजेंस में करवाई, और लुइस एसिड लिया गया AlCl3, और जब अब मैंने यहां इस रिएक्शन को करवाया तो ये ऑब्जर्व हुआ कि R2 इज ग्रेटर देन R1 हो गया। R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा थी, मतलब रेट बढ़ गई, रिएक्टिविटी बढ़ गई। इसको कुछ ऐसे समझाया गया, समझना कि क्यों लुइस एसिड के प्रेजेंस में रेट बढ़ जाती है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या है, जब भी कभी लुइस एसिड की प्रेजेंस ली जाती है तो लुइस एसिड की प्रेजेंस में विथड्रॉइंग ग्रुप की विथड्रॉइंग एबिलिटी, विथड्रॉइंग पावर और इंक्रीज हो जाती है। क्या मतलब हुआ कि अगर हम लुइस एसिड की प्रेजेंस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली लुइस एसिड इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले, इससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाने के कारण इसकी विथड्रॉइंग पावर बढ़ जाएगी, यानी विथड्रॉइंग ग्रुप की विथड्रॉइंग एबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्लियर? अब विथड्रॉइंग ग्रुप की विथड्रॉइंग एबिलिटी के बढ़ जाने से रेट पर कैसे इफेक्ट पड़ा इसको जरा समझते हैं। देखो विथड्रॉइंग ग्रुप की विथड्रॉइंग एबिलिटी के बढ़ जाने से रेट कैसे इंक्रीज हुई इससे जरा समझते हैं हम लोग। देखिएगा, देखो
हमें पता है ये डाइइन के एनर्जी लेवल्स हैं साई वन साई टू साई थ्री और ये साई फोर। ये मैंने डाइइन की एनर्जी लेवल्स लिए, थर्मल कंडीशन में मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए एंड दिस वन इज द होमो ऑफ डाइइन। इज इट क्लियर? और ये मैंने डाइइनोफाइल लिया और डाइइनोफाइल का मैंने ये होमो लिया दैट इज साई वन और ये मैंने ल्यूमो लिया दैट इज साई टू। ओके, ये ल्यूमो हो गया डाइइनोफाइल का। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लुइस एसिड की प्रेजेंस लेते हैं ना, तो लुइस एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की विड्रॉइंग पावर बढ़ गई। यदि ऑक्सीजन की विड्रॉइंग पावर बढ़ गई, विड्रॉइंग ग्रुप की विड्रॉइंग एबिलिटी बढ़ गई, तो इसके विड्रॉइंग एबिलिटी के बढ़ जाने के कारण अब ये जो ल्यूमो है इसका एनर्जी लेवल नीचे आएगा। जितना अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप होता है ल्यूमो का एनर्जी लेवल उतना ही नीचे आता है। रिलीजिंग ग्रुप जितना अच्छा होता है होमो का ल्यूमो का एनर्जी लेवल उतना ही ऊपर जाता है। विड्रॉइंग जितना अच्छा होगा इनका एनर्जी लेवल उतना ही नीचे आएगा। तो जैसे ही एनर्जी लेवल नीचे आया बिकॉज ऑफ दिस लुइस एसिड की प्रेजेंस के कारण, तो होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल ई कम हो गया। पहले डेल ई कितना था? पहले यही डेल ई ये था और वो डेल ई अब रिड्यूस्ड हो गया है। और डेल ई के कम हो जाने से होमो और ल्यूमो के बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा तो दोनों आसानी से इंटरैक्ट हो जाएंगे और इससे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो हम ये कह दें बिकॉज ऑफ डेल ई रिड्यूस्ड, डेल ई की डिक्रीज हो जाने के कारण रेट ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसलिए लुइस एसिड की प्रेजेंस में रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? उतारेंगे फिर। देखिए नेक्स्ट हम लोग इसमें समझते हैं इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डील्स एल्डर रिएक्शन। देखो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझो, इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड, इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डील्स एल्डर रिएक्शन। देखिएगा इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डील्स एल्डर रिएक्शन से क्या मतलब है जरा समझिएगा। अगर मान लीजिए हम एक ऐसी डाइइन ले लें जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लीजिए, और एक ऐसा डाइइनोफाइल ले लें जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लीजिए। यानी मैंने एक ऐसा डाइइनोफाइल ले लिया है जिस पर क्या लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और मैंने एक ऐसा डाइइन ले लिया है जिस पर क्या लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? चलिए इसको इधर लगा लेता हूं, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया मैंने यहां और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया। इसी को मैं ऐसे भी लिख देता हूं, कोई खास बात नहीं है। क्लियर? तो होता क्या है, अगर डाइइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं तो इसका तो यूज में लिया जाता है होमो, रिवर्स हो गया। और डाइइन जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिए गए हैं इसका लिया जाता है डाइइन जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है इसका लिया जाता है ल्यूमो। तो दैट मीन्स होमो तो डाइइनोफाइल का लिया जाता है और ल्यूमो डाइइन का लिया जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डील्स एल्डर रिएक्शन। वही थर्मल कंडीशन के अंदर 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसके अंदर हुई है और इससे हमारे को ये एडक्ट ऑब्टेन होता है जिसमें ये ग्रुप और COOR ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज डील्स एल्डर रिएक्शंस आर रेजियो सेलेक्टिव आल्सो। तो यहां पर ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हमारे को ऑब्टेन होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डाइइन का ल्यूमो
और डायग्नोफाइल का होमो काम आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ इससे हम लोग जरा समझते हैं, राइट right? तो इसके अंदर वही एनर्जी लेवल्स बनाने पड़ेंगे, होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप देखना पड़ेगा, सब कुछ वैसा ही होगा, जरा समझिएगा इसे। देखो देखें, हमने एक डाइन ली, ये हमने एक डाइनो फाइल लिया, डाइन का ये एनर्जी लेवल बनाया, दैट इज साई वन, साई टू, साई थ्री और ये साई फोर, और थर्मल कंडीशन में हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, ये लीजिए, दैट इज द थर्मल कंडीशन, क्लियर। फिर मैंने लिया डाइनो फाइल और डाइनो फाइल का ये एनर्जी लेवल लिया, दिस वन इज द साई वन एंड दिस वन इज द साई टू, और थर्मल कंडीशन के अंदर इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए, इज इट क्लियर। अब इन जनरल हम लोग डाइइन का लेते हैं होमो और डाइनोफाइल का लेते हैं ल्यूमो, लेकिन यहां हुआ क्या है वो देखें आप जरा, यहां डाइइन के ऊपर तो लगाया गया है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और आप बताइए जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डाइइन के ऊपर लगेगा तो इनके होमो एंड ल्यूमो का जो एनर्जी लेवल्स है वो नीचे की तरफ आएगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा, जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा तो इसका एनर्जी लेवल भी नीचे आ गया और ये एनर्जी लेवल भी नीचे आ गया, ये लीजिए स्थिति ये हो चुकी है, इसका होमो और ल्यूमो ये एनर्जी लेवल नीचे आ गए हैं, राइट। आगे बात समझ में, तो मैं ये कह दूं ये इस तरीके से हो चुका, और जब इस पर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, ये लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लगने से इसका होमो और इसके ल्यूमो का एनर्जी लेवल ऊपर हो गया है, राइट। अब स्थिति ये हो चुकी है, तो एक्चुअली सिस्टम जो है ये वाले, इनके एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसे हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए इसका होमो, राइट, इसका होमो और इसके ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप ये है, डाइइन का होमो और डाइनोफाइल का ल्यूमो का जो एनर्जी गैप है वो ये है, दैट इज द डेल ई, आप देखना ध्यान से। और अगर मैं डाइनोफाइल के होमो और डाइइन के ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप लूं तो वो यही है, तो बोलिए कौन सा एनर्जी गैप कम है, हम कहें ब्लू लाइन कम है, ब्लू लाइन छोटी है। क्या मतलब कौन सी लाइन छोटी है, ब्लू लाइन छोटी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू लाइन, कि डाइनोफाइल के होमो और डाइइन के ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है ये गैप कम है, इसलिए इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड के अंदर, यानी कि जब डाइनोफाइल पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और डाइइन पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इसका होमो काम में लेते हैं और इसका ल्यूमो काम में लेते हैं, That is called inverse electron demand Diels-Alder reaction. और आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को शुरुआत में पिछली क्लास में ये बता दिया था Diels-Alder के कि होमो और ल्यूमो किसी भी सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सकता है, डाइइन का होमो, ल्यूमो का डाइनोफाइल का ल्यूमो भी काम में ले सकते हैं, और डाइनोफाइल का होमो और डाइइन का ल्यूमो भी काम में लिया जा सकता है, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि डाइइन और डाइनोफाइल पर किस प्रकार के सब्सिट्रेंट्स लगे हुए हैं। अगर जनरल बात की जाए तो हम डाइइन का होमो और डाइनोफाइल का ल्यूमो काम में लेते हैं, क्लियर, अदरवाइज आप किसी भी सिस्टम की होमो और ल्यूमो यूज में ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सिट्रेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन डाइइन एंड डाइनोफाइल, क्लियर। ये बात इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड Diels-Alder की उतारेंगे आप लोग इसको। चलिए इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड के बाद अब देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, Diels-Alder reactions जो होती है ना, it is the example of atom economy reactions, तो हम ये कहते हैं Diels-Alder reactions, Diels-Alder
Diels Alder reaction is the example of एटम इकोनॉमी रिएक्शन. ये किसका एग्जाम्पल है? एटम इकोनॉमी रिएक्शन. एटम इकोनॉमी रिएक्शन का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट. यानी कि ग्रीन सिंथेसिस के हिसाब से ये सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है, जिसमें किसी भी मटेरियल की कोई वेस्टिंग नहीं है, खराब नहीं हो रहा है कोई भी मटेरियल. क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द एग्जांपल ऑफ एटम इकोनॉमी रिएक्शन. और एटम इकोनॉमी रिएक्शन का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट. और आप देखिएगा, अगर मैं यहां इसकी बात करूं और यहां पर ये प्रोडक्ट बनाऊं, तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में बराबर होते हैं. इसके अंदर उपस्थित नंबर ऑफ एटम आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट, दोनों में बराबर होते हैं. और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसे ग्रीन सिंथेसिस के अंदर काम में लिया जाता है. इस रिएक्शन को कहां काम में लिया जाता है? ग्रीन सिंथेसिस में. Used in green synthesis. इस रिएक्शन को ग्रीन सिंथेसिस में काम में लिया जाता है. क्लियर? तो आप ध्यान रहे, आप लोगों को दो चीजों से पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेस्ट फॉर ग्रीन सिंथेसिस? Diels Alder रिएक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एटम इकोनॉमी रिएक्शन? Diels Alder रिएक्शन. ये आप लोग ध्यान रखेंगे. क्लियर? चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं आता हूं Diels Alder रिएक्शन की. देखिएगा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो, Diels Alder रिएक्शन. Diels Alder रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ डाइईन. Diels Alder रिएक्शन जो है, ये डाइईन की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, हम ये जानते हैं. राइट? तो क्या लिख सकते हैं? Diels Alder रिएक्शन, Diels Alder रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ डाइईन. किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है? डाइईन की. और ये जो डाइईन करेक्टर्स होते हैं ना, ये एरोमेटिसिटी के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग. डाइईन करेक्टर जो होते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं एरोमेटिसिटी के. ठीक है? एरोमेटिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं हमेशा डाइईन करेक्टर. मतलब एरोमेटिसिटी ज्यादा तो डाइईन करेक्टर कम, एरोमेटिसिटी कम तो डाइईन करेक्टर ज्यादा. क्लियर? तो अगर कंपाउंड में एरोमेटिसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डाइईन करेक्टर कम हो जाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे बात करता हूं एक फ्यूरिन की, एक पाइरोल की और एक थायोफिन की, ये लीजिए, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो देखो, इनमें एरोमेटिसिटी को कंपेयर करते हैं तो आप सभी को पता है एरोमेटिसिटी ARSE के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा थायोफिन की होती है, उससे कम पायरोल की होती है, और सबसे कम एरोमेटिसिटी यहां फ्यूरेन की होती है. सबसे कम एरोमेटिसिटी किसकी है? फ्यूरेन की है यहां पर. क्लियर? तो अगर ये एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है तो बताइए डाइईन करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? तो डाइईन करेक्टर सबसे ज्यादा किसके अंदर होंगे? फ्यूरेन के अंदर, उससे कम पायरोल में और सबसे कम थायोफीन में. इसीलिए आप याद कीजिए कि मैक्सिमम केसेस में जो इन चाइनो हाइड्रोसाइक्लिक की अगर हम बात करते हैं तो डाइईन की तरह बिहेव
फ्यूरेन ही करती है। सबसे ज्यादा डाइइन करेक्टर फ्यूरेन के पास है, इसलिए हम डाइइन में मैक्सिमम केसेस में फ्यूरेन ही लेते हैं। पायरोल या थायोफिन को हम ऐसे डाइइन यूज नहीं लेते। जब भी कभी हम अगर इन्हें डाइइन की तरह यूज में लेते हैं तो इस पर और इस पर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा के रखते हैं। याद कीजिए, जब भी कभी हम लोग पायरोल को एज ए डाइइन लेते हैं तो आप पायरोल पर हमेशा विथड्रॉइंग ग्रुप लगा के रखते हो। क्लियर? अगर हम थायोफिन को एज ए डाइइन काम में लेते हैं तो हम इस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये ऑक्सीजन लगा के रखते हैं, यानी सल्फोन लगा के रखते हैं। तो ये स्पीशीज डाइइन की तरह बिहेव कर सकती है क्योंकि इनकी एरोमेटिसिटी या तो खत्म कर दी गई है या एरोमेटिसिटी को रिड्यूस्ड कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात समझ में यहां क्लियर? यानी कि हम ये कह दें, इन शॉर्ट हम ये कह दें, इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। देखिएगा, हम इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मैं पायरोल में से ये एच तो हटा दूं और अगर ये विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, ये ग्रुप लगा दूं, इससे क्या हुआ? नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है, ये लीजिए, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इधर भी इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली कंपाउंड की एरोमेटिसिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, इधर से इधर चलने पर एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है और डाइइन करेक्टर एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रही है और डाइइन करेक्टर इंक्रीज हो रही है। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से, ठीक इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग ऐसे कह दें, देखिएगा, अगर ये थायोफिन है, इस थायोफिन पर मैं ऑक्सीडेशन करा दूं, ये लीजिए, तो क्या होगा? ये होगा। अगर मैं एक बार और ऑक्सीडेशन करा दूं तो क्या होगा? ये बनेगा। तो बताइए क्या हुआ, इधर से इधर चलने पर एरोमेटिसिटी कम हो रही है और कंपाउंड में डाइइन करेक्टर बढ़ रहे हैं। एरोमेटिसिटी कम हो रही है, कंपाउंड में डाइइन करेक्टर बढ़ रहे हैं। उतारिए भैया, इस तरह से आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि डाइइन करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एरोमेटिसिटी। उतारो फटाफट, जल्दी उतारिए। हो गया? चलिए आगे देखिए। तो यह बात हुई आपके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन के अंदर डाइइन और एरोमेटिसिटी में रिलेशन की। अब मैं आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डील्स एल्डर रिएक्शन के अंदर, दैट इज द एंडोसेलेक्टिविटी, इसकी बात मैं आपसे करता हूं, इसकी चर्चा आप लोगों से करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मान के चलिए 4+2 का, अगर 4+2 का सवाल आएगा तो वो इस कंसेप्ट को जरूर देता है सवाल के अंदर। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एंडोसेलेक्टिविटी इन डील्स एल्डर रिएक्शन। देखो, डील्स एल्डर रिएक्शन के अंदर अब मैं एंडोसेलेक्टिविटी की बात करता हूं आप लोगों से। देखो, ये कहा जाता है कि जो डील्स एल्डर रिएक्शन होती है वो डील्स एल्डर रिएक्शन
काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। या चलो उससे भी पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के देता हूं। ये मैंने एक साइक्लिक टाइइन ली और इस साइक्लिक टाइइन की रिएक्शन मैंने करवाई मैलिक एनहाइड्राइड से, ओके। और यहां 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन हुआ, क्लियर। अब यहां विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है डाइनोफाइल में, इसलिए ऑब्वियसली इसका हम ल्यूमो काम में लेंगे और इसका हम होमो काम में लेंगे, ओके। इट इज नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड, डील्स एल्टर रिएक्शन, इट इज नॉट इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड, ओके। अब जब भी कभी यहां डील्स एल्टर रिएक्शन में हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो दो प्रकार के प्रोडक्ट्स यहां बन सकते हैं, राइट। एक प्रोडक्ट होगा एंडो प्रोडक्ट और एक होगा एक्सो प्रोडक्ट। ये लीजिए, एक प्रोडक्ट को मैंने कहा एंडो, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडो प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट यहां बन सकता है एक्सो, इस प्रोडक्ट को मैंने कहा एक्सो प्रोडक्ट। ये लीजिए, ये दो प्रकार के प्रोडक्ट मैंने यहां पर आप लोगों को बना के दिए। देखो, इसे कहा जाता है एक्सो प्रोडक्ट, ये लीजिए, दिस वन इज द एक्सो प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया इसे कहा जाता है एंडो प्रोडक्ट, ये लीजिए, ये एंडो प्रोडक्ट कहा जाता है, क्लियर। ये चीज कही जाती है कि ये जो एंडो प्रोडक्ट होता है ना, एंडो प्रोडक्ट, ये लो टेम्परेचर पे बनता है। लो टेम्परेचर पे बनेगा मतलब लो एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ से बनता है, और लो एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ से बन रहा है इसका मतलब ये मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनेगा, लेकिन फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा, यानी एंडो प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है। और हम इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ। कौन सा पाथ फॉलो होता है इस दौरान? काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ फॉलो होता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे भी चर्चा इन सब की। और एक्सो प्रोडक्ट के लिए ये कहा जाता है कि ये हाई टेम्परेचर पे बनता है, ये हमेशा हाई एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ से बनता है, ये हमेशा लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से बनता है, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और यहां जो पाथ फॉलो होता है उसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड पाथ कहा जाता है। पाथ कैसा होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड पाथ होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। उतारो देखो फटाफट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड पाथ इसके अंदर फॉलो होता है। यहां मैंने दो प्रकार की आपको पॉसिबिलिटी बताई है कि जब भी कभी एक डील्स एल्डर रिएक्शन होती है डाइइन और डाइनोफाइल के बीच में, तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना हो सकती है। ये एंडो प्रोडक्ट बन जाए और एक एक्सो प्रोडक्ट बन जाए। जो एंडो प्रोडक्ट होता है वो लो टेम्परेचर पे बनता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ से बनता है, वाया मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनता है, लेकिन फाइनली ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है। इस पूरे पाथ को हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ कहते हैं। और मैंने कहा एक्सो प्रोडक्ट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर पे बनता है, उसके दौरान हमेशा हाई एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ फॉलो होता है, ये हमेशा लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनेगा, और ये फाइनली जो प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है। और एक ऐसा पाथ जो हाई टेम्परेचर पे होता है उस पाथ को हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड पाथ कहते हैं, और एक ऐसा पाथ जो लो टेम्परेचर पे होता है इसको हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड कहते हैं, क्लियर। अब आपको मैं यहां जो समझाने जा रहा हूं चीजें वो क्या है उन्हें आप देखिए। पहली बात लो टेम्परेचर पे क्यों, लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ क्यों हो गया, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट क्यों कह रहे हैं, और फाइनली ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्यों हो गया। और इन सबसे भी पहले
कि जब भी कभी ये प्रोडक्ट बनता है तो ये दोनों अप्रोच कैसे करते हैं, और जब भी कभी प्रोडक्ट ये वाला बनता है तब ये दोनों अप्रोच कैसे करते हैं। तो पहले तो दोनों की अप्रोच सीखते हैं कि एंडो प्रोडक्ट के दौरान दोनों की अप्रोच कैसे होती है और एक्सो प्रोडक्ट के दौरान दोनों की अप्रोच कैसे होती है। जब दोनों की अप्रोच समझ में आएगी तब ये सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आएंगी, और फिर रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आएगी। तो मैं दोनों की अप्रोच आप लोगों से डिस्कस करता हूं, देखिएगा जरा। देखो दोनों की अप्रोच कैसे रहती है वो मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए मैं आपको एक डाई इन और एक डाई इन ऑफ फाइल पहले लेके बताता हूं। सपोज ये हमने कोई एक डाई इन और डाई इन ऑफ फाइल ली, इनमें से कोई एक डाई इन है और एक डाई इन ऑफ फाइल है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, एक को डाई इन बनाते हैं और एक को डाई इन ऑफ फाइल बनाते हैं। देखो भाई देखो बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने बना दी डाई इन, ठीक है भाई, ये डाई इन बन चुकी है, साइक्लो पेंटा डाई इन, दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ओके। और मैं इसमें क्या करता हूं, एक बना लेता हूं डाइनोफाइल, समझा। डाइनोफाइल बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आपसे ये कहा ये मैलिक एनहाइड्राइड है, दैट इज द डबल बॉन्ड, आ रही है बात समझ में, क्लियर। चलिए डबल बॉन्ड थोड़ा ऐसे बना देता हूं, अब आपको दिखेगा ये डबल बॉन्ड, ओके। और यहां पर आपको मैं कहता हूं ये डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कह देता हूं ये डबल बॉन्ड ओ, और इधर ये कह देता हूं दिस वन इज द ओ। बोलो दैट इज द मैलिक एनहाइड्राइड, ये भी आपके समझ में आ रहा है, राइट। और मैंने कहा ये एक डाइईन है, ये लीजिए, ये एक डाइईन हम लोग बने लिए, ओके। अब आप देखिए कैसे रिएक्शन हुई, क्या हुई, जरा समझे हम इस बात को। देखो जब भी कभी डाइईन और डाइनोफाइल एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट आपको समझा दूं, जो हमने साइक्लो एडिशन शुरू करने से पहले ही क्लियर कर लिया था कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन जिन दो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट के बीच में होता है वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर और नीचे होते हैं, हमेशा एक दूसरे के ऊपर और नीचे रहते हैं ये अप्रोच करने के दौरान। अब ये एक दूसरे के ऊपर और नीचे तो है लेकिन किस तरह से है इसको जरा हम लोग समझें। देखो अगर ये डाइईन लूं मैं, ये डाइईन ऐसे है, राइट, ये डाइईन कुछ इस प्रकार से है, ये डाइईन कुछ इस प्रकार से है, और ये जो डाइनोफाइल है ये अपना पूरा हिस्सा, ये डबल बॉन्ड ओ ओ, ये पूरा का पूरा हिस्सा इसकी कैविटी के नीचे रखती है, दिस वन ऐसे, ये लीजिए, इसे कहते हैं एंडो अप्रोच। ये अप्रोच कैसी है, एंडो, एंडो समझ में आया। और मैं इसको ऐसे को एक बार समझाने के लिए ऐसे बता दूं, दिस वन इज द एंडो अप्रोच। देखो ये डाइईन और ये डाइनोफाइल का ये डबल बॉन्ड ओ ओ, यानी पूरा अनसैचुरेटेड पार्ट जो है इस डाइनोफाइल का ये पूरा इसकी कैविटी के नीचे चला गया, इसे कहा जाता है एंडो अप्रोच। और एक्सो में क्या होता है, ये पूरा का पूरा अनसैचुरेटेड पार्ट डाइईन की कैविटी के बाहर है, देखो ऐसे, समझ गए, हाँ जी। तो डाइईन और डाइनोफाइल में फर्क क्या हुआ कि अगर ये डाइनोफाइल का ये जो अनसैचुरेटेड पार्ट जो है, विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो पार्ट है, अगर वो कैविटी से बाहर है, मतलब डाइईन की कैविटी के बाहर है, देखो बाहर की तरफ है, तो ये एक्सो अप्रोच है, और इसकी कैविटी की तरफ है, घुमा दिया मैंने, देखो कैविटी की तरफ है, तो फिर ये कौन सी अप्रोच है, एंडो अप्रोच। तो पहले तो ये बताइए एंडो और एक्सो अप्रोच का मीनिंग आपके समझ में आया क्या, रिप्लाई करो फटाफट, हाँ या ना पे फटाफट, यस और नो, समझ में आया क्या, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। ओके
ठीक है, निकिता के समझ नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। ओके गुड, चलिए सरिता ने कहा सर एक बार और रिपीट कर दे, देखो समझे, रिपीट कर देते हैं एक बार और। मैंने कहा ये डाइइन है और ये डायनोफाइल है, ये दोनों पार्ट्स हैं, ये होंगे तो एक दूसरे के ऊपर और नीचे, लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा होगा 3D में ये भी जरा समझने की बात है। अगर किसी भी डाइनोफाइल का विड्रॉइंग ग्रुप वाला हिस्सा डाइइन की कैविटी के नीचे होता है उसे एंडो अप्रोच कहते हैं। देखो ये हिस्सा डबल बॉन्ड ओ कैविटी के बिल्कुल नीचे चला गया, देखो इसे कहा जाता है एंडो अप्रोच। और अब मैं अगर इसको घुमा दूं, लीजिए ये मैंने इसको घुमा दिया, अब देखो अब जो हिस्सा है ये वाला डबल बॉन्ड ओ ओ ये कैविटी से बाहर है, क्योंकि बॉन्ड तो इसके इसके बीच में बनना है ना, बॉन्ड किसके बीच में बनना है देखना, डाइइन के इन दोनों कार्बन और डाइनोफाइल के इन दोनों कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड बनना है ऐसे। तो बताओ ये सारा हिस्सा कैविटी से बाहर है, और अगर ये ऐसे होता लो बॉन्ड तो बनना है कैविटी की तरफ ही है, समझे ना। अगर अप्रोच ऐसी है तो हम इसको बोलेंगे एंडो, और अगर अप्रोच ऐसी है तो हम इसको बोलेंगे एक्सो, यानी ये एक्सो है और ये एंडो अप्रोच है। This one is the endo or exo approach. यानी अगर मैं इस endo और इस exo approach को अगर एक बार को represent करूं तो मैं कुछ इस प्रकार से आपको समझा सकता हूं। देखो ये एक डाइइन का पार्ट है और ये डाइनोफाइल का पार्ट है, और डाइइन के ये वाला जो पोर्शन है ये कैविटी है डाइइन की, है ना। तो देखो पूरा हिस्सा ये वाला जो पार्ट है डाइनोफाइल का, दैट इज द विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट, ये डाइइन की कैविटी के नीचे है, इसे हम कहते हैं दैट इज द एंडो अप्रोच। एंडो अप्रोच आ गई बात समझ में। और एक्सो अप्रोच का क्या मतलब होता है वो भी आप जरा देखें। फिर से मैंने डाइइन बनाई, मैंने कहा ये इसकी कैविटी है, इसके नीचे का हिस्सा कैविटी हो गया इसका, और डाइनोफाइल का जो पार्ट का विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट है ये लीजिए, ये लीजिए आप देखिएगा, ये जो डाइनोफाइल का विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट है यानी कि ये इस कैविटी से बाहर है, केवल ये हिस्सा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कैविटी के बाहर है, इसे कहा जाता है एक्सो अप्रोच। इसे क्या बोला जाता है एक्सो अप्रोच, आगे बात समझ में। तो एंडो अप्रोच और एक्सो अप्रोच में पहले तो फर्क क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, आगे बात समझ में क्लियर। तो एंडो अप्रोच में क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो पार्ट होता है, विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट वो हमेशा कैविटी के नीचे की तरफ होता है, कैविटी के अंदर होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पार्ट है ये इनसाइड द कैविटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पार्ट इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर की तरफ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो पार्ट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो पार्ट है, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो पार्ट है ये आउट साइड द कैविटी है, ये कैविटी के आउटसाइड है, आउटसाइड द कैविटी है, कैविटी से बाहर की तरफ है। अब इससे होगा क्या उसको समझते हैं, इनसाइड द कैविटी के हो जाने से हुआ क्या, ये बड़ी काम की चीज है। तो समझना, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट अगर इनसाइड द कैविटी होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो ये ऑर्बिटल्स हैं,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो ये ऑर्बिटल्स हैं भाई, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले, ये डाइइन के ऑर्बिटल के साथ सेकेंडरी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या कहा मैंने, देखो इधर, ये और ये, ये और ये सेकेंडरी इंटरेक्शन इसके अंदर एडजस्ट करती है, जबकि इस प्रकार की इंटरेक्शन यहां कभी एडजस्ट कर ही नहीं सकती, बिकॉज ये पार्ट कैविटी के आउटसाइड है, जबकि यहां ये सेकेंडरी इंटरेक्शन एडजस्ट करती है, ये इनसाइड द कैविटी है। क्लियर? तो यहां होता क्या है कि डाइनोफाइल के पाई बॉन्ड, डाइनोफाइल के विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्बिटल और डाइइन के ऑर्बिटल के बीच में ये सेकेंडरी इंटरेक्शन एडजस्ट करती है। क्लियर? तो मैंने कहा ये सेकेंडरी इंटरेक्शन यहां एडजस्ट कर रही है। और ये सेकेंडरी इंटरेक्शन होने के कारण यहां जो एंडो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस एंडो ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, बिकॉज सेकेंडरी इंटरेक्शन होने के कारण कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी। सेकेंडरी इंटरेक्शन होगी तो इससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो इससे क्या होगा, इससे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंडो ट्रांजिशन स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंडो ट्रांजिशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। अगर एंडो ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, मान लो किसी रिएक्शन के दौरान ये ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली थी, लेकिन सेकेंडरी इंटरेक्शन से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई, इसके कारण ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम हो गई, एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी यही रह गई। तो देखो, अगर ये इंटरेक्शन नहीं होती तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती, लेकिन इंटरेक्शन के कारण कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई तो ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो अब ये जो पाथ रह गया वो केवल इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी का रह गया, यानी के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंडो ट्रांजिशन स्टेट अगर डिक्रीज हो जाएगी तो पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं कह दूं ई एक्टिवेशन ऑफ पाथ डिक्रीज हो जाएगा। अगर पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो वो लो टेम्परेचर पर हो सकता है। तो मैं कह दूं टेक्स प्लेस, सो टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, इसलिए वो लो टेम्परेचर पर भी पाथ हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब होता है लो टेम्परेचर, इसका मतलब होता है पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब होता है मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो आपने क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंडो ट्रांजिशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंडो ट्रांजिशन स्टेट डिक्रीज हो गई, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी एंडो ट्रांजिशन स्टेट की डिक्रीज हो गई, हम इसे कहेंगे मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ये कहलाती है मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। हम इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या बोलते हैं, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी एंडो अप्रोच होती है डाइनोफाइल की डाइइन के साथ, तो उस एंडो अप्रोच के दौरान एक सेकेंडरी इंटरेक्शन होती है, दोनों के बीच में एक सेकेंडरी इंटरेक्शन होती है, डाइनोफाइल के विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्बिटल्स और डाइइन के ऑर्बिटल्स के बीच में एक सेकेंडरी इंटरेक्शन होती है, एक एडिशनल इंटरेक्शन होती है, इस इंटरेक्शन से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो बनने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंडो ट्रांजिशन स्टेट कम हो जाएगी और उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी एंडो ट्रांजिशन स्टेट की कम हो गई, तो पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है, और पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी के कम हो जाने से वो पाथ लो टेम्परेचर पर भी पॉसिबल होता है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ। लेकिन
ये जो एक्सो अप्रोच होती है, एक्सो अप्रोच के दौरान ऐसा इंटरेक्शन होता ही नहीं है, और अगर ऐसा इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहां पर, एक्सो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो हाई एनर्जी की बनेगी। अगर वो हाई एनर्जी की होगी तो पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो पाथ हाई टेम्परेचर पर होगा, और ऐसे पाथ को हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड पाथ कहते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? तो दोनों का मैंने एक कंपैरिजन आपको बता दिया कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड लो टेम्परेचर, लो एक्टिवेशन एनर्जी, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से क्या मतलब है, और इसका बिल्कुल रिवर्स इससे क्या मतलब है। कहिए मेरी ये बात आप सभी को समझ में आ गई? बोलो भैया, बोलो, आज समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, गुड। चलिए आगे देखना, आगे देखना। अब फाइनली मैं एक बात और कह रहा हूं कि एंडो प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल प्रोडक्ट। क्यों है वो भी जरा देखो। देखो फाइनली जब प्रोडक्ट बन चुका होता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद इन द प्रोडक्ट, अब मैं प्रोडक्ट में बात कर रहा हूं, अब मैं प्रोडक्ट में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इन द प्रोडक्ट। अब चर्चा प्रोडक्ट में हो रही है, क्लियर? अब मान लो प्रोडक्ट बन चुका है तो प्रोडक्ट में क्या होता है, इन एटम्स, कैविटी के अंदर के एटम्स और ऊपर डाइन के एटम्स, मतलब जब प्रोडक्ट बन चुका है तो क्या होगा, प्रोडक्ट में भी एटम्स तो एक दूसरे के नीचे ही है, तो इन एटम्स के बीच में एटॉमिक रिपल्शन भी होता है, और एटॉमिक रिपल्शन से प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम ये क्यों बोलते हैं कि इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट इन द एंडो प्रोडक्ट एटम्स के बीच में एटॉमिक रिपल्शन होगा, इन द एंडो प्रोडक्ट एटॉमिक रिपल्शन एग्जिस्ट इन कैविटी, इन कैविटी, इससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि इस प्रकार का रिपल्शन एक्सो प्रोडक्ट में नहीं होता। भाई एक्सो प्रोडक्ट में अगर सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं है तो इस प्रकार का रिपल्शन भी नहीं है, तो फाइनली एक्सो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो एंडो प्रोडक्ट से ज्यादा रहती है। लेकिन याद रहे, एंडो प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पे बन रहा है, कम एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ पर, और ये हाई टेम्परेचर अगर होगा तब बनेगा, ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर? तो याद, हमने कहा कि एंडो प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल, एक्सो प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, और दोनों का कंपैरिजन हम लोगों ने किया। तो जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे वो मैंने आपको सारा समझा दिया है, उधार लीजिए। तो एंडो अप्रोच कैसे होती है, एक्सो अप्रोच कैसे होती है, ये क्लियर कर दिया है मैंने आप लोगों को। मैंने आप लोगों को केसी और टीसी और पूरा डिटेल के अंदर दोनों का कंपैरिजन बता दिया है, राइट? अब मैं बिल्कुल एंडो और एक्सो की फॉर्मेशन और भी डाइएनो डाइनोफाइल से बना सकता हूं, एक बार मैं वो बनाता हूं, फिर मैं वापस से इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे आता हूं। देखिएगा, देखिएगा, अगर हम यहां साइक्लोपेंटाडाइन नहीं लेते, सपोज हम फ्यूरेन लेते, और यहां मैंने डाइनोफाइल वही मैलिक एनहाइड्राइड लिया, करेक्ट? तो थर्मल कंडीशन में वही 4+2 साइक्लो एडिशन होता, सुपरा सुपरा, और इस साइक्लो एडिशन के दौरान देखिएगा, हम यहां एक ये प्रोडक्ट लिखते, ये लीजिए,
इसे हम कहते हैं एंडो प्रोडक्ट, क्लियर। और एक हम ये लिखते हैं फ्यूरेन के लिए, इसे हम कहते हैं एक्सो प्रोडक्ट। क्लियर। अब आप आगे की चीज देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां साइक्लोपेंटाडाइन के ही दो मॉलिक्यूल्स ले लेता, एक साइक्लोपेंटाडाइन और दूसरा भी साइक्लोपेंटाडाइन ही ले लेता, तो इसमें भी दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना थी, एक एंडो और एक एक्सो। देखो भाई उसको भी हम लोग बनाते हैं, एक बनाऊंगा मैं एंडो और एक बनाऊंगा एक्सो। देखो दोनों ही समझते हैं, ये एंडो प्रोडक्ट हो गया, अब एंडो के साथ मुझे ये लो टेम्परेचर काइनेटिकली कंट्रोल्ड ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। और एक इसके अंदर बनेगा एक्सो प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं एक्सो प्रोडक्ट, जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन कैविटी की तरफ चले गए, क्लियर। तो इस तरह से एंडो और एक्सो की हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं एंडो और एक्सो की स्टीरियो केमिस्ट्री असाइन करना आपको सिखाता हूं, ठीक है। यानी अब मैं डील्स एल्डर रिएक्शन में आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूं, जिसे आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे, ओके। देखो हेडिंग डालो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन बड़े ही ध्यान से आप लोग समझेंगे क्या क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको एक परसेंट प्रॉब्लम ना आए कभी भी, ओके। देखो सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील्स एल्डर में याद रखना कि जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ऑप्शन काटने आने चाहिए। अब आप कहोगे सर इससे क्या मतलब है, वो समझाता हूं। एक होती है डाइनोफाइल का स्टीरियो, वो अगर सिस है तो सिस मेंटेन रखना है, ट्रांस है तो ट्रांस मेंटेन रखना है। ये होती है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल, रिएक्टेंट में आपको दिखेंगी, प्रोडक्ट में वो स्टीरियो मेंटेन रखनी है, क्लियर। एक तो यह ध्यान रखना है, और हमारे को ये ऑलरेडी पता है, हम लोग करके आ चुके। ये स्टीरियो सिस थी और ये भी सिस है। एक स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, ये डाइनोफाइल की स्टीरियो है, ये आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर चेक करनी होती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस स्टीरियो को चेक करोगे, ये मेंटेन रहनी चाहिए। दूसरा फिर होती है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाइन, डाइन का स्टीरियो केमिस्ट्री समझते हैं हम लोग, क्या समझते हैं हम लोग, हम ये समझते हैं कि यदि इस पर लगा हुआ कोई सब्सिट्यूएंट, माना ये अंदर है दैट इज कॉल्ड ए, और इस पर लगा हुआ कोई सब्सिट्यूएंट बी, माना ये बाहर है, तो बताइए इन दोनों के स्टीरियो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है। आप कहोगे ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, ट्रांस, क्लियर। और अगर ये दोनों बाहर होते या दोनों अंदर होते तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस कहे जाते, बात समझ में आ गई। तो दूसरे स्टीरियो आप इस डाइइन की रखोगे, क्या मतलब हुआ कि जब आप इसमें डील्स अल्टर करवाओगे, ये लीजिए, तो चूंकि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री आपको प्रोडक्ट में मेंटेन रखनी होती है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री
आपको प्रोडक्ट में मेंटेन रखनी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में क्लियर। यह दूसरी स्टीरियो केमिस्ट्री है। यह दोनों स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोगों को पता है कि हाँ यार इसमें नया क्या है, मेंटेन रखनी होती है तो सर ने पहले लिखवा दिया था, पिछली क्लास में सर ने बता दिया था ये तो कि स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में मेंटेन रखनी होती है, चाहे वो डाइनोफाइल की हो मेंटेन रखेंगे, चाहे वो डाइईन की हो मेंटेन रखेंगे, इसमें नया क्या है। नया अभी तक कुछ है ही नहीं, नया अब आएगा। अब क्या है तीसरे नंबर का पॉइंट वो देखो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो तीसरा पॉइंट बाद में सॉल्व करना, पहले ये दोनों पॉइंट से ऑप्शंस काट लेना, हो सकता है आपको तीसरे पॉइंट तक पहुंचना ही नहीं पड़े, क्योंकि आपको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि थर्ड पॉइंट बाद में देखा जाता है। थर्ड पॉइंट अगर आपने पहले देख लिया तो बेवजह की उलझाट होगी, गलत कर सकते हो सवाल को। पहले ये दोनों दो पॉइंट चेक करोगे, उससे ऑप्शन मिलाओगे कि यार यहां तो डाइन का स्टीरियो चेंज कर दिया प्रोडक्ट में, हटाओ। अरे यार ये तो डाइनोफाइल का चेंज कर दिया, हटाओ। लास्ट में पता लगा एक ही ऑप्शन बचा आंसर। अभी भी मतलब ही नहीं है कि एंडो का स्टीरियो कैसे देखना है, क्योंकि हमने तो सवाल इनके स्टीरियो से सॉल्व कर लिया। अब मैं तीसरे टाइप के स्टीरियो आपको समझाता हूं जब सवाल इन दोनों के कंसेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब देखो अगला पॉइंट, ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज कॉल्ड एंडो सेलेक्टिविटी, एंडो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। अब तक थ्योरेटिकली पढ़ा, अब उस एंडो की स्टीरियो लगाना सीखेंगे हम लोग। क्लियर। देखो तो अलर्ट होके बैठो भैया, ध्यान से, अब क्लास में मजा आने वाला है आपको, आज के दिन की वसूली होगी आज हमारी। देखो तीसरे टाइप का पॉइंट क्या है, मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। तीसरे टाइप का पॉइंट ये है, सपोज हमारे पास ये स्टीरियो है, बिल्कुल है भाई स्टीरियो, दोनों एमी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, आप कहोगे सिस है, बिल्कुल है भाई सिस। और मैं आपसे यह कहूं ये हमारे पास मैलाइक एसिड है, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल मैलाइक एसिड है। मैंने कहा 4+2 साइक्लोएडिशन होगा, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा, 4+2 सुप्रा साइक्लोएडिशन होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा ये लीजिए, तो इधर से ये मिथाइल, हमें पता है इनकी आपस में स्टीरियोसिस है, वी नोस वेरी वेल, मैं आपस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आपस में सिस है हम ये जानते हैं, ये भी आपस में सिस है हम ये भी जानते हैं, देखो ये सिस है हम जानते हैं, ये भी सिस है हम जानते हैं। मेरा पॉइंट ये है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि इस मिथाइल का और COH का आपस का स्टीरियो क्या है, हम अभी ये नहीं जानते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी, कि यहां पर जब ये मिथाइल सेट होंगे और इधर से COH सेट होंगे तो इनका आपस में स्टीरियो क्या होगा, हम ये नहीं जानते हैं। हम केवल ये जानते हैं कि ये सिस से सिस रहेगा, ये भी सिस से सिस रहेगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनका आपस में स्टीरियो क्या रहेगा। क्लियर। आपस में स्टीरियो क्या रहेगा ये थ्योरिटिकल तो जानते हैं, थ्योरिटिकल तो पता है हम लोगों को, क्या पता है, एंडो प्रोडक्ट है ये एंडो प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, ये जानते हैं हम केवल। लेकिन ये एंडो प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं, जब एसाइक्लिक डाइईन होती है और एसाइक्लिक डाइनोफाइल होती है, ये नहीं जानते हैं अभी। ये एंडो प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं अभी हमें ये नहीं पता, यही तो सीखना है। और अब इसको सिखाने के लिए मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा, उसको जरा आप लोग ध्यान से समझना। मेरा एक्चुअली आप लोगों को इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा कि मैं डीलिंग कहां से करने के लिए कह रहा हूं,
समझ गए? लेकिन याद रहे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कुछ ऑप्शन इनकी स्टीरियो को देख के कट जाते हैं, कुछ ऑप्शन इसकी स्टीरियो को देख के आपस में कट जाते हैं। पता लगा इसकी इसकी स्टीरियो तो हमें देखनी नहीं पड़ी, सवाल तो पहले ही सॉल्व हो गया। इसलिए मैंने आपको स्टेप्स में डाला कि पहले स्टेप वन अप्लाई करना, फिर स्टेप टू अप्लाई करना। लेकिन हाँ, अगर आप भी 50-50 बच गए तो फिर एंटो सेलेक्टिविटी निकाल के सॉल्व कर देना। अब वो एंटो सेलेक्टिविटी देखते कैसे है मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूं, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताने वाला हूं, बहुत चौकन्ने होके अलर्ट होके देखना, कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? चलिए फिर हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 5-7 क्वेश्चन की, और ये अपना आज का क्लास का मैटर हो जाएगा। समझो, तो कैसे देखी जाती है एंडो प्रोडक्ट की स्टीरियो, इसकी शुरुआत करते हैं। आओ देखो, करते हैं। अभी तक हम क्या जानते हैं? अभी तक हम तो केवल ये जानते हैं कि यार ये एंडो प्रोडक्ट सर ने एसाइक्लिक डाइईन और एसाइक्लिक डाइनोफाइल में बना दिया। हमने तो साइक्लिक में पढ़ा, नहीं, साइक्लिक में होता है, एसाइक्लिक पे अप्लाई होता है, बट बोला जाता है। क्या मतलब? उसके लिए मैं फिर से साइक्लिक का एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपने डाइईन ली, ये आपने डाइनोफाइल लिया, बिल्कुल लिया, और ये हाइड्रोजन्स डाइनोफाइल के हैं, क्लियर? और इधर से ये वाला जो हिस्सा है ये डाइईन का है। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये जो मैंने मार्किंग करी है ना, ये जो मार्किंग करी है, ये डाइईन का कौन सा हिस्सा है? आप कहोगे ये डाइईन का अंदर वाला हिस्सा है। अरे कौन सा वाला है? ये अंदर वाला हिस्सा है, और ये अंदर वाला हिस्सा एक्चुअली आपस में जुड़ चुका है। लेकिन आप कहोगे तो यही ना कि ये अंदर की तरफ का बॉन्ड है, डाइईन में अंदर की तरफ का बॉन्ड है। ये ध्यान रखना आप लोग, इस डाइईन में अंदर की तरफ के बॉन्ड की चर्चाएं हो रही है, और यहां इस डाइनोफाइल का ये दोनों हाइड्रोजन वाले बॉन्ड की चर्चा हो रही है, क्लियर? यानी एक्चुअली हमें इन दो की स्टीरियो को आपस में समझना है, यानी इधर अंदर वाला पार्ट और इधर ये वाला पार्ट। यानी कि मैंने कौन से वाले पार्ट को छोड़ दिया? मैंने इस डाइनोफाइल का जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसको छोड़ दिया है, क्लियर? अब आप सोचोगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले तो यहां तो सीओएच लगाए थे। अरे तो क्या हो गया, अगर मैं तुम्हें इन एच की स्टीरियो को उसके साथ रिलेशन करना सिखा दूं तो इसका रिलेशन तो ऑटोमेटिक आ गया। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? अगर मैं इस COH और H और यहां भी COOH और H, थोड़ी देर पहले डाइनोफाइल था, यहां और यहां MEME थे, तो मैं कह रहा हूं अरे इधर से कोई भी ग्रुप लेके उसका अगर मैं H के साथ स्टीरियो करना सिखा दूं तो ऑब्वियसली तुम्हें COH के साथ स्टीरियो करना तो वैसे ही आ गया। बात तो एक ही है ना, है ना, कि अगर मैं यहां ये डाइनोफाइल ले रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं भाई ये AA है और ये BB है, कि आपने कहा सर ये BB से स्टीरियो आप बता रहे थे पर आप तो AA से समझा रहे हो, तो मैं आपको चाहे BB से कंपेयर करना सिखाऊं चाहे AA से कंपेयर करना सिखाऊं फर्क क्या पड़ता है? अगर AA के रेस्पेक्ट में तुम्हें स्टीरियो केमिस्ट्री निकालनी आती है तो BB से तो वैसे ही आगे निकालनी। आगे बात समझ में? तो आप देखना, हम यहां अब ऐसे कहते हैं मैं कोई भी दो ग्रुप इसके ले सकता हूं और डाइन के कोई भी दो ग्रुप लेता हूं, उनको आपस में मैं मैच करके आपको बता रहा हूं स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे देखी जा रही है। आप देखो, तो जब भी कभी हम डाइन और डाइनोफाइल के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस वक्त देखो हम पेपर पे इस विड्रॉइंग ग्रुप वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, इधर की तरफ लिखते हैं, पेपर में ऐसे लिखते हैं, राइट? क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आंसर लिखते वक्त हम लोग पेपर में ऐसे लिखते हैं। हमें पता है अप्रोच होते वक्त विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट कैविटी में होता है अप्रोच होते वक्त, पर हाँ पेपर में तो ऐसे लिख रहे हैं ना हम लोग, राइट? जब पेपर में ये ऐसे लिखा जाता है और डाइन के साथ रिएक्शन होता है तो एंडो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाया जाता है। देखो एंडो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाया जाता है, कुछ ऐसे बनाया गया एंडो प्रोडक्ट। कहिए मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये एंडो प्रोडक्ट हो गया, और इस एंडो प्रोडक्ट में मैंने क्या किया, मैंने कहा ये और ये
हमारे हाइड्रोजन्स हैं, ये वाले और ये वाले हाइड्रोजन्स हैं, क्लियर। और इधर से ये कहा ये हमारा ब्रिज है, अरे कुछ समझे, इसका मतलब ये ब्रिज ऊपर की तरफ है, ये हाइड्रोजन एक्सोसाइड है, ये भी बाहर की तरफ है, यानी ये दोनों के लिए कहा जाता है लाइज ऑन सेम साइड, ये सेम साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइज ऑन सेम साइड। आई बात समझ में, इसका मतलब हमारा कंसेप्ट ये हो गया कि डाइनोफाइल का विड्रॉइंग ग्रुप वाले पार्ट को आप इधर रख दो, बाकी के सब्सिक्वेंट्स इधर रख लो, और ये यहां पर डाइन का अंदर की तरफ का हिस्सा है, ये दोनों हिस्से किधर होते हैं, हम कहेंगे लाइज ऑन सेम साइड, ये सेम साइड होते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कौन कौन सा हिस्सा सेम साइड रखना है, डाइइन का अंदर वाले पार्ट और डाइनोफाइल का वो वाला पार्ट जो विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है वो सेम साइड रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, कंसेप्ट सिखा दिया है, बड़े काम की चीज है ये मैंने आप लोगों को बता दी है भैया, बहुत ही गजब की चीज मैंने बताई है आप लोगों को, ये उतारो, देखो उतारो फटाफट, ये मैंने यहां एंडो प्रोडक्ट की स्टीरियो बताई है, याद रखना ये एंडो की स्टीरियो है, अगर एक्सो की स्टीरियो होगी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, तो एंडो की याद रखो, एक्सो की रिवर्स कर दो, एक्सो को मत सीखो, रिवर्स करना है बस उसको, इतना याद रखना। तो कौन से ग्रुप सेम साइड हुए, ध्यान रखना, इधर देखो सब लोग, वापस से ये कोई मैंने डाइन दिया आपको, ये जी जी दिया, इधर देखो, और ये मैंने डाइनोफाइल लिख दिया, ऐसे देखो, ऐसे लिख दिया ए सी, देखो ए सी आर वाई एल ओ एक्राइलो नाइट्राइल, और मैंने कहा थर्मल कंडीशन बोलो क्या बनेगा, है ना। अब आपको उस एक्राइलो नाइट्राइल को पहले तो क्या होता है वो देखो, है ना, और फिर उसको कैसे रखना है यहां वो भी तो समझ में आना चाहिए ना, तो देखो बहुत ध्यान से समझना मैं यहां पे क्या समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया और आपको कहा बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा इस एक्राइलो नाइट्राइल को लेते हुए, तो आप कहोगे यार पहले तो ये एक्राइलो नाइट्राइल है क्या, एक्राइलो नाइट्राइल ये होता है, देखो इधर ये होता है एक्राइलोनाइट्राइल डबल बॉन्ड और साइनाइड। अब आप क्या होता है कि ये साइनाइड एक्चुअली रखना कहां था, ये साइनाइड एक्चुअली रखना कैसे था, इस साइनाइड को इधर रखना है या साइनाइड को इधर रखना है, तो देखो ट्रिक बताते वक्त मैंने क्या बोला है कि डाइनोफाइल का ये जो विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट है वो इधर नहीं, वो इधर की तरफ रखो, डाइन के तरफ मत रखो, इसके इधर रखो। देखो ये ट्रिक है अपनी कि यहां विड्रॉइंग ग्रुप इस तरफ रखो, और अब इस वक्त आपको किसको कैसे रखना है ये मैंने आपको भी बताया, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, मैंने आपको क्या बोला है भैया कि इधर से ये वाले दोनों हाइड्रोजन और इधर से ये दोनों जी, ये सेम साइड होते हैं, इसका मतलब डाइन के जी और डाइनोफाइल का साइनाइड ये दोनों ऑपोजिट साइड रहेंगे प्रोडक्ट के अंदर। यानी अपन ने क्या निकाल दी स्टीरियो कि जब आप ये सिक्स मेंबर रिंग बनाओगे और आपने अगर ये जी जी ऐसे लगाए हैं तो आप इस साइनाइड को इसके ऑपोजिट लगाओगे, दैट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एंडो प्रोडक्ट, ऑलवेज रिमेंबर, ये आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, करेक्ट। कैसे निकाले स्टीरियो केमिस्ट्री, समझ में आई बात आप लोगों को, बस याद रखना अगर गलती से भी आपने साइनाइड को इधर लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने जो ट्रिक बनाई है, हमने जो कंसेप्ट बनाया है उसके अंदर हमने विड्रॉइंग ग्रुप जो डाइनोफाइल का रखा है वो डाइन की तरफ नहीं इसके इधर रखा है, तो उस वक्त ये इसके रेस्पेक्ट में स्टीरियो अलग रखता है, ऑपोजिट रखता है, सेम स्टीरियो किसकी है, डाइइन के अंदर वाले ग्रुप्स की और इधर लगे हुए इन हाइड्रोजन्स की, तो आपको डाइनोफाइल को सही तरीके से प्लेस करना आना चाहिए।
अब आपको ये चीज मैंने समझा दी है, अब मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ सवाल देता हूं, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एंडो सेलेक्टिविटी के ऊपर कुछ सवाल ही हम लोगों ने लिए हैं, जिसमें हमारे को एंडो प्रोडक्ट बनाने हैं या एंडो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो। देखो भाई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन कैसे काटते हैं, मैं आपको जरा करके बताता हूं इसको। मैंने कहा था सबसे पहले इसकी स्टीरियो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायनोफाइल, दोनों हाइड्रोजन सिस है, दोनों हाइड्रोजन सिस है, प्रोडक्ट में भी सिस होने चाहिए, लेकिन अगर आप यहां देखो तो प्रोडक्ट में ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांस है, जबकि यहां पे सिस है, ऑप्शन काट दो। अब आपको मैंने कहा डाइइन का स्टीरियो देखो, दोनों ड्यूटेरियम सिस है, दोनों अंदर की तरफ है, तो वो प्रोडक्ट जिसमें दोनों ड्यूटेरियम ट्रांस में है उन्हें काट दो, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन कट गया। अब आपके ये दोनों ऑप्शन इनकी इंडिविजुअल स्टीरियो से नहीं कट रहे, अब आपको दोनों की स्टीरियो मिला के ऑप्शन काटना है। आपको बता रखा है इधर से ये हाइड्रोजन और इधर से ये अंदर वाले ग्रुप, ये सेम साइड होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, सेम साइड। अब यही सिखाया आपको एंडो सेलेक्टिविटी के अंदर, और अगर ये ग्रुप सेम साइड है तो इसका मतलब डी डी एच एच, आंसर इज सी। यहां पर इधर के ड्यूटेरियम और इधर के हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, इसलिए ये नहीं है, एक्चुअली ये एंडो प्रोडक्ट है और ये एक्सो प्रोडक्ट है, और हमें क्या बनाना होता है, एंडो, जब तक कि वो हाई टेम्परेचर ना लिख के दे। एंडो लो टेम्परेचर पे बनता है, एक्सो हाई टेम्परेचर पे बनता है, ये ध्यान रखना। अगर लो टेम्परेचर दिया है एंडो बना के आना है, कुछ नहीं दिया है एंडो बना के आना है, हाई टेम्परेचर लिख के दिया है एक्सो बना के आना है, क्लियर। एंड एक्सो की स्टीरियो एंडो की बिल्कुल रिवर्स होती है, ध्यान रखना। और एंडो की स्टीरियो कैसे निकालते हैं ये सिखा दिया मैंने आपको। अब देखो इन क्वेश्चंस के मैं आंसर्स लिखता हूं, यहां देखिएगा ये हाइड्रोजन्स अंदर की तरफ है, और हमारे को पता है ये हाइड्रोजन सेम साइड होंगे। कुल मिला के मैं ये कह दूं, अगर ये हाइड्रोजन सेम साइड होंगे तो इधर से Me और इधर से NO2 भी सेम साइड होगा। कौन कौन सेम साइड होगा मैं रिपीट करता हूं, अगर ये हाइड्रोजन सेम साइड है तो ऑब्वियसली इधर का ये Me और इधर का ये NO2 सेम साइड होगा, और ये बिल्कुल 3D सही तरीके से रखी हुई है, विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इधर ही होना चाहिए, तो इसका मतलब हम यहां जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट ये बनेगा, इधर का ये Me और इधर से ये NO2 सेम साइड है, क्लियर। आगे देखिएगा, यहां पर मैं ये कह दूं ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सेम साइड होते हैं। अगर ये सेम साइड है तो बाकी ये भी आपस में सेम साइड होंगे, तो यहां पर हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट ये होगा, आगे बात समझ में। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर लूं तो इधर से ये एच, ये एच, ये एच, ये सारे सेम साइड हैं। अगर ये सेम साइड है तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इसकी और इसकी स्टीरियो अपोजिट चलेगी। अब आप देखो 159 में बड़ी मैंने करामात कर रखी है, एक तो मैंने विड्रॉइंग ग्रुप को किधर लिख रखा है, अंदर की तरफ लिखा हुआ है, जबकि विड्रॉइंग ग्रुप होना किधर चाहिए, बाहर की तरफ डाई इनके, तो मैं पहले तो इसको इस तरह से सही लिखूंगा, बाहर की तरफ लिखूंगा। दूसरा, अगर मैं अप्रोच ऐसे भी इस वक्त करवाता हूं तो मेटा आइसोमर बन रहा है, जबकि हमारे को पता है रेजियो सेलेक्टिविटी ये कहती है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब एक तो मैं NO2 को बाहर की तरफ लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा, अब जाके मैं इसकी कनेक्टिविटी सही कर सकता हूं। ये लीजिए, और यहां ये Me और ये NO2 इज द आंसर, फिनिश। और 160 नंबर देखो, फिर इसके अंदर वही चीज कर रखी है मैंने, एक्चुअली विड्रॉइंग ग्रुप को डाइइन की तरफ लिख रखे हैं, जबकि मैंने आपसे कहा विड्रॉइंग ग्रुप डाइइन की तरफ नहीं लिखने हैं, डाइइन से बाहर की तरफ लिखने हैं, यही हमारी आंसर निकालने की ट्रिक है। तो मैं यहां एक्चुअली इस डाइइन के साथ
ये जो डायनोफाइल है इसको ऐसे अज्यूम कर लूंगा, ऐसे अज्यूम कर लूंगा मैं इसको, फिर कह दूंगा ये एच और ये एच, इधर से ये एच और ये एच, ये सारे एक तरफ है, तो ऑब्वियसली इनकी स्टीरियो सेम, एमईएमई सीओएच सीओएच की भी स्टीरियो सेम, तो 160 और एक्चुअली ये 157 सवाल एक ही था, लेकिन मैंने देने के तरीके बदल दिए इसको, तो आप लोग ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर जाना। ये लीजिए, अब आप समझना मैं एक काम की बात बोल रहा हूं, आप देखना आपस में एंडो प्रोडक्ट की स्टीरियो असाइन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है ना, लेकिन आप इसको याद मत करना कि ये हमें डैश 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 ही लगाने हैं, नहीं, इतना ध्यान रखना ये सारे सेम साइड होने चाहिए, अब ऑप्शन के अनुसार कर लेना, हो सकता है वहां पर सारे वेज 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 मिल जाए या सारे डैश 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 मिल जाए, कभी भी दोनों नहीं मिलेंगे ये ध्यान रखना, एनेंशियोमर कभी नहीं मिलेंगे, डायस्टीरियोमर ऑप्शन में मिलेंगे, बस इतना याद रखना ये ग्रुप सेम साइड होते हैं, ये सेम साइड होते हैं, अब ये सारे सेम या तो वेज हो या सारे डैश हो, वो कुछ भी दे सकता है हम लोगों को, बस इतना याद होना चाहिए कि एंडो प्रोडक्ट में कौन सेम साइड होता है कौन ऑपोजिट साइड होता है, क्लियर, ये बात हुई आपके एंडो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री की, क्लियर, तो डील सेल्टर रिएक्शन में आज हम यहां तक करेंगे, अब हम लोग साइक्लो एडिशन में नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी टाइप की प्रॉब्लम्स 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की प्रॉब्लम्स को लेते हुए इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे, ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।